नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी ऑटो अपडेट के एक और एपिसोड में। दोस्तों आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे 7 ऑटो अपडेट्स के बारे में जो इस वीक हुए हैं, हर दिन का एक अपडेट। तो देखते रहिए इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो देखने से पहले आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है उसको क्लिक कीजिएगा और साथ में आपको एक बेल आइकन भी नजर आएगा, प्लीज़ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों सबसे पहला जो अपडेट है वो आ रहा है होंडा की तरफ से। होंडा अपनी जैज का फेसलिफ्ट लॉन्च करने जा रही है। 2014 से लेके अब तक एक ही उसका मॉडल बिकता आ रहा था। उसके अंदर जो अब फेसलिफ्ट के अंदर चेंजेस आएंगे वो थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस आएंगे। इंजन वही सेम होगा, पेट्रोल और डीजल वही सेम इंजन उसके अंदर आएगा। होंडा ने अपनी इस कार को सबसे पहले फ्रैंकफर्ट मोटर शो के अंदर ही हमें दिखाया था इस कार को, और जो इस कार का सीधा मुकाबला होगा वो होगा i20 और मारुति की बलिनो के साथ। होंडा अपनी हर सेगमेंट के अंदर पकड़ बनाती जा रही है, तो होंडा इस सेगमेंट में भी अपनी कार को अपडेट करके लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि i20 का पहली फेसलिफ्ट आ चुका है तो होंडा भी अपनी कार का इसका जैज का फेसलिफ्ट लेके आ रही है। तो देखते हैं आने के बाद कार क्या कमाल कर पाती है। दोस्तों अगला अपडेट है जो वो आ रहा है, कंपनी जो नई है भारत के लिए, किया कंपनी जो वो अपनी नई कार लेके आ रही है। सितंबर में अगले साल वो आ सकती है, 2019 के अंदर किया अपनी कार को लेके आ सकती है। लोगों से कंपनी ने वोट करवाया था कि कार का नाम क्या रखा जाए, तो कंपनी ने जो नाम दिए थे उनमें सबसे आगे ट्रेजर का नाम आया था। कंपनी को लोगों ने बताया था कि ट्रेजर आप नाम रखें, तो वोटिंग में ट्रेजर का नाम आया था, लेकिन कंपनी ने वोटिंग को ना मांगते हुए तो अपनी कार का जो नाम डिसाइड किया है वो है कंपनी की कार का नाम टस्कर। जी हाँ, टस्कर नाम से कार आएगी कंपनी की, जो सितंबर में अगले साल आ सकती है। पहली कार होगी ये किया कंपनी की, और ये था एक अपडेट किया की तरफ से। दोस्तों अगला अपडेट है जो वो आएगा हुंडई की तरफ से। हुंडई अपने चेन्नई प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण करने जा रही है। कंपनी के सीईओ ने बताया कि 2020 तक कंपनी अपनी 8 इलेक्ट्रिक कारें भारत के अंदर लॉन्च करेगी, जो उसकी एक एसयूवी भी होगी उसके अंदर। लेकिन जो पहली उसकी एसयूवी होगी इलेक्ट्रिक, उसको पहले इम्पोर्ट किया जाएगा। अगर वो ठीक ठाक रही तो कंपनी उसको भी भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर करेगी, क्योंकि आने वाला टाइम है जो इलेक्ट्रिक कारों का है, तो कंपनी भी इलेक्ट्रिक कारों की तरफ अपने ग्राहकों को आकर्षित करना चाहती है। कंपनी पहले देख चुकी है कि महिंद्रा और ऑडी भी इस तरफ अपना कदम रख चुकी है, दोनों ने ही तैयारी कर रखी है इलेक्ट्रिक कारों की। तो हुंडई ने भी ये सोचा है कि वो इलेक्ट्रिक कारें बनाएगी, और इसके लिए वो भारत में ही अपने चेन्नई प्लांट के अंदर उसकी तरफ वहां पे अपनी कारों को असेंबल करेगी। हाइब्रिड कारों को ना बना के कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों की तरफ ही अब अपना ध्यान रखेगी। दोस्तों अगला अपडेट है जो वो आ रहा है रॉयल इनफील्ड की तरफ से। रॉयल इनफील्ड अपनी 2 कस्टमाइज बाइक को भारत के बाजार में उतारा है। उसको भारत कंपनी ने 2017 में फ्रांस में दिखाया था। जो कंपनी ने भारत के अंदर कस्टमाइज बाइक उतारी हैं उनके नाम हिमालयन पर जो बेस्ड है बाइक वो है जेंटलमैन ब्रेड, और जो दूसरी बाइक है वो बनाई है कंपनी ने रॉयल इनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी के ऊपर, जिसको नाम दिया है सर्फ रेसर, जो इसको पेश किया है भारत में कंपनी ने। जो कंपनी ने इस बाइक्स को बनाया है वो अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है सिनरोजा, जिसके साथ मिलके कंपनी ने इन बाइक्स को भारत के अंदर बनाया है। जो ये बाइक्स होंगी पूरी तरह से कस्टमाइज्ड बाइक होंगी, जो कंपनी सिनरोजा कंपनी के साथ मिलके भारत के अंदर उतार दिया है। दोस्तों अगला अपडेट है जो वो आ रहा है ओडी की तरफ से। ओडी ने अपनी जो A4 सेडान कार है उसका अपना अपडेट लॉन्च कर दिया है। जो उसको अपडेट किया गया है, उसका फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया है, उसके जो उसमें चेंजेस किए गए हैं वो उसके फ्रंट में थोड़े चेंजेस किए गए हैं, उसके अलॉय को चेंज कर दिया गया है, उसके बैक साइड में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। जो उसके अंदर इंजन है वो सेम रहेगा, जो इस कार के सिर्फ डिज़ाइन में थोड़ा बहुत फ़र्क किया गया है, लेकिन गाड़ी देखने में बिल्कुल सेम ही रहेगी। तो गाड़ी के सिर्फ फ्रंट में और बैक में और सिर्फ अलॉय में ही थोड़ा बहुत फ़र्क किया गया। जो ये था ओडी की तरफ से जो अपडेट, वो A4 का अपडेट था। जो
दोस्तों अगला अपडेट है जो वो आ रहा है जैगुआर लैंड रोवर की तरफ से। जी हाँ, टाटा की ओन कंपनी जैगुआर लैंड रोवर कंपनी है जो अपने इंजन को असेंबल करेगी अपने पुणे प्लांट के अंदर। जी हाँ, पुणे प्लांट के अंदर कंपनी अपने इंजन को असेंबल करने के लिए ही एक योजना बना रही है, लेकिन उसका ये अभी पूरा नहीं बताया कि कब तक वो बना सकती है। इसका सीधा असर कार्स की कीमत के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अभी जो अपने कार के इंजन को बाहर से इंपोर्ट करती है तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लग के वो कस्टमर को ज़्यादा रेट में कार मिलती है। अगर वो इंजन को यहीं पे असेंबल करेगी तो सिर्फ एक पार्ट्स को मंगाया जाएगा, लेकिन उन पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी होगी वो कम होगी। अब वहाँ यहीं पर उसको इंजन को असेंबल करके जब कार में अपनी लगाया जाएगा तो ज़रूर उसका असर उसकी कीमत पर पड़ेगा, और इसका फायदा सीधा भारत के कस्टमर को मिलेगा। और कंपनी की जो कारें हैं उनके रेट में अगर फर्क मिलेगा तो कंपनी कस्टमर को फायदा तो होना बनेगा ही, तो इसलिए कंपनी अपने जो इंजन है उनको असेंबल करेगी पुणे के प्लांट में। दोस्तों अगला अपडेट है जो वो आ रहा है टोयोटा की तरफ से। जी हाँ, टोयोटा के रश के बारे में लोगों ने बहुत सवाल पूछे हुए हैं कि टोयोटा की रश कब आ रही है, लेकिन टोयोटा की रश के आने का कोई चांस नहीं है इंडिया के अंदर, बल्कि उसकी एक और मिनी एसयूवी लगा लो वो कार आएगी CHR। जी हाँ, CHR है जो वो आ सकती है भारत के अंदर, उसको देखा गया है भारतीय सड़कों के ऊपर टेस्टिंग के लिए। जी हाँ, भारत के अंदर जो CHR है उसको टेस्टिंग के लिए देखा गया। जो इसका डिजाइन है वो कंपनी के नए जो कंसेप्ट है, जो उसका प्लेटफॉर्म है नया, उसका TNGA प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर इस कार को बनाया गया, जो बहुत स्पोर्टी और भारत के जो कस्टमर है उनको लुभावना डिजाइन है पूरा। इसके अंदर जो इंजन है 1.8 लीटर का दे सकती है, जो तकरीबन अपनी क्रोला के अंदर भी देने वाली है कंपनी, शायद वो दे सकती है इसके अंदर इंजन। जो इसका डिजाइन है वो बहुत अच्छा, आप देख भी सकते हैं फोटोज के अंदर। तो कंपनी का ये अपडेट था टोयोटा का, जो कंपनी अपनी CHR ला सकती है वो 2020 या 2021 तक कंपनी की ये कार आ सकती है भारत के अंदर, लेकिन रश का कोई चांस नहीं है भारत के अंदर आने का। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट इस वीक के, 7 अपडेट जो मैं आपको बताना चाहता था। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना और कमेंट जरूर करके मुझे बताना अगर वीडियो में कोई कमी हो, और वीडियो को लाइक या डिसलाइक करना न भूलिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट, बाइक चलाते हैं हेलमेट जरूर पहनिए। धन्यवाद।